और बहुत सारे झंडे लगा दिए लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सैल्यूट करती हूँ अपने झंडे को, कितना अच्छा लग रहा है अपना देश का झंडा, बहुत अच्छा लग रहा है। घर घर तिरंगा, घर घर झंडा, कितना अच्छा लग रहा है। चल जा भाई हवा, चल जा थोड़ी फहरा जा। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल मावड़ी के ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 6:30 बजे और मैं पार्क से घूम के आ गई हूँ। आज मैं 4-5 दिनों बाद गई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था इतने दिनों से। तो ये हमने झंडा अटक दिया है और सभी घरों में करीब करीब झंडा अटक गए हैं। एक झंडा हमारा वहाँ फहरा रहा है, 2 झंडे इस घर में लगा रखे हैं और एक वहाँ हमसे भी बड़ा झंडा लगा रखा उस साइड दिख रहा है वहाँ पे। और बहुत सारे झंडे लगा दिए लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सैल्यूट करती हूँ अपने झंडे को, कितना अच्छा लग रहा है अपना देश का झंडा, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर वाली छत पे जाके मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी टाइम नहीं है, अभी अपना और काम कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी दिन के टाइम। जगह जगह लगा रखे झंडे तो दिखाई नहीं दे रहे अच्छे से। अभी जब ऊपर वाली छत पर जाऊँगी थोड़ी देर में, आज बादल हो रहे हैं, पता नहीं बारिश का तो नामो निशान है नहीं भाई, थोड़ी बहुत यहाँ पर दिख रहे हैं, सूर्य भगवान निकल रहे उधर से। और अभी आई हूँ, थोड़ा सा वॉक किया था 4-5 दिनों के बाद गई थी, तो थोड़ा आलस सा हो जाता है। ये देखो सारी ये पतंग का मांजा मंजा क्या बोलते हैं इसको, ये पूरा फंसा हुआ कहाँ कहाँ से। और ये हाथ वाले दो यहाँ से जा रहा है, ये वो वहाँ, ये पेड़ भी काट देता है पेड़ों को, हाथ पैर काट दे रहा लोगों के, तो पेड़ क्या है इसके साथ, जन कहाँ से कितना फंसा हुआ है, कहाँ कहाँ से फंसा हुआ। तो आज 14 अगस्त, कल 15 अगस्त को सारे ऐसे ही पतंग उड़ेंगे यहाँ पे। तो चलो जी पहले अपने घर का कर लेती हूँ अपने दिनचर्या जो है। तो झंडे फहरा रहे हैं जगह जगह, बहुत अच्छा लग रहा है। घर घर तिरंगा, घर घर झंडा, कितना अच्छा लग रहा है। चल जा भाई हवा, चल जा थोड़ी फहरा जा। यहाँ से बांध दिया हमने ना, यहाँ पर तेज़ हवा चलती है तो उड़ जाता है करके। अभी हवा नहीं है यहाँ पे, कम हवा है, उधर ज़्यादा है। तो देखो कितना अच्छा फहरा रहा वहाँ पे, बहुत अच्छा दिख रहा वाला झंडा। तो इसी तरह फहराते हुए फहरा ले फहरा ले, अरे उड़ जा उड़ जा उड़ ही नहीं रहा। चलो जी, तो अभी आई हूँ मैं अपने छत पे और दिन के 1 बज रहे, तो दिन का खाना बनाने की तैयारी हो गई है। और झंडे देखो, बारिश हो गई हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, और इस बारिश से इतनी उमस हो गई है बहुत ही ज़्यादा। तो झंडा हमारा भीग चुका है, सूख जाएगा अभी हवा चलेगी तो, अगर सूखा होता तो फहराता अच्छे से, पर यहाँ पर ना पता नहीं हवा चल तो रही है, ये झंडा इसी पर लिपट जा रहा, अच्छे से फहरा नहीं रहा। तो सुबह मैंने आप लोगों को दिखाए थे तो झंडे कम थे, अभी बहुत ज़्यादा और भी घरों में लगा दिया लोगों ने, और बड़े बड़े झंडे भी लगा रखे हैं बहुत सारे। मैं छत पर जाके देखती हूँ, वहाँ से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अभी मैं छत पर इसलिए आई थी, मेरे को ले आने एक कड़ी पत्ता, मैं बना रही हूँ अरहर मलका की दाल, जिसे कि पीली दाल भी बोलते हैं। तो उस दाल में इनका तड़का लगाऊंगी, अच्छा लगता है हमें इनका तड़का उसमें। तो तोड़ लेती हूँ मैं, 3 पत्ते तोड़ लिए मैंने, भीग गए हैं अच्छे, वैसे मेरे को धोने हैं और अच्छे से धोऊंगी। तो ये जो कड़ी पत्ता है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, औषधि का काम करता है। तो एक तो ये हमें जो जिस भी खाने में हम इनको डालते हैं, यानी कि दाल में, सब्जी में, जिसमें भी डालते हैं, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी मदद करता है। और ये हमारे आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसका जो फ्लेवर है, जिस भी भोजन में आप डालेंगे, दाल में, सब्जी में, उसका फ्लेवर एकदम चेंज कर देगा, मतलब टेस्टी बन जाएगा। और तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है वो है कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये मदद करता है। तो आयुर्वेदिक में नियम है इसका, मतलब बताया गया है इसकी औषधि, कि अगर आप कड़ी पत्ता की चटनी बनाते हैं, इस पत्तों की चटनी बना के खाते हैं खाली पेट, यानी खाली पेट सुबह के नाश्ते में जब आप इसकी चटनी बना के खाएँगे, या फिर पत्तों की चटनी से बना के उसको पानी में घोल के पी जाएंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको ये
ठीक करने में मदद करेगा, पर यह है कि आपने एक दिन इसकी चटनी बनाई या इसके पत्ते खाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। नियम बनाना पड़ेगा, नियमित रूप से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तभी फ़ायदेमंद है। वैसे भी कोई भी चीज़ हम खाते हैं अगर उसका प्रयोग, यानी कि जो नेचुरल चीज़ हम लेते हैं तो उसका फ़ायदा हमें धीरे धीरे होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है, क्योंकि केमिकल वाले चीज़ जैसे कि हम दवा लेते हैं, अगर हम आयुर्वेदिक दवा लेते हैं तो उसका जो हमें फ़ायदा है वो धीरे धीरे मिलता है, और हम अंग्रेज़ी दवा लेते हैं तो उसका तुरंत एकदम फ़ायदा हो जाएगा और उस बीमारी का कोई भरोसा नहीं। अगर हमें 24 घंटे उसका फ़ायदा हो रहा है तो 2500 घंटे में हमको फिर से वही दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे प्रकृति में हमें इतने सारे उपहार दिए हैं प्रभु ने जिनका हमें पता नहीं है। अगर हम जंगल में जाते हैं तो हमें बहुत तरह के पेड़ दिखाई देते हैं, पौधे दिखाई देते हैं, छोटी छोटी घास दिखाई देती है, बेल दिखाई देती है, और जिनका हमें क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें पता नहीं होता है। पर हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हम प्रकृति को संभाल के रखेंगे तो हमें प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो चलो अभी मैं जाती हूँ छत पर, वहाँ से मैं भी देखती हूँ कि लोगों ने कितने सारे झंडे टांगे हुए हैं। तो देखो हमारा झंडा फहराने लग गया, दिख रहा है? नहीं दिख रहा इसमें, और फहरा रहा हमारा झंडा भी, हवा चल रही हल्की हल्की, गीला हो गया है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देखें, आपको दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे, झंडे फहरा रहा उधर फहरा रहा उधर फहरा रहा है, और बहुत जगह लगे हुए झंडे लोगों को, जी हाँ, मतलब लोगों के पास जहाँ पर जगह मिली, बालकनी में है या छतों में है, अपने कहीं पर भी टांगे हुए हैं। कुछ कुछ झंडे गलत तरीके से भी टांग रखे हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वो देखो वहाँ पे, वो वहाँ देखो बालकनी में कैसे लटका दिया झंडा, वो गलत तरीका है, इस तरह झंडे को नहीं टांगना चाहिए। तो सीधे टांगे हैं झंडे, पर कोई बात नहीं, लोगों की खुशी है, अपनी अपनी खुशी के कारण टांग रखा है। देखो एक झंडा वहाँ पर भी नीचे, वो वहाँ पर वहाँ भी टांग रखा है। तो करीब करीब सभी घरों में जहाँ पर जगह मिली लोगों को, वहाँ पर सबने झंडे टांग रखे, स्वतंत्रता दिवस की खुशियाँ मना रहे हैं सभी लोग। तो अच्छा लग रहा मेरे को यहाँ से, आप देखें, आप लोगों को दिखेंगे नहीं दिखेंगे झंडे चारों तरफ, बहुत दूर तक दिख रहे हैं। एक झंडा वहाँ पर भी टंगा है, वो वहाँ पर वो शोरूम है, वहाँ पर भी टांग रखा है। तो इस तरह सब दूर दूर तक दिख रहे हैं, मेरा चश्मा अभी दूर का नहीं है तो मेरे को जो पास पास में वही दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा दूर झंडे अभी नहीं दिख रहे हैं। पर बहुत लोगों ने, कहीं पर बड़े बड़े झंडे हैं, कहीं पर छोटे छोटे, क्योंकि झंडे भी जो है ना बहुत महंगे आ रहे हैं। हमारा इतना सा झंडा ये 60 रुपये का है, तो लोगों ने बड़े बड़े झंडे 100 के, 200 के, 50 के, 25 के, जिसको जैसे झंडे मिलते मिले हैं, जिनको जैसा अच्छा लगा वैसे लाए हुए हैं। पर अच्छा लग रहा है, यहाँ से झंडे ही झंडे दिखाई दे रहे हैं, घर घर तिरंगा, घर घर झंडा, लोगों ने बात मान ली हमारे मोदी जी की, तो अच्छी बात है। ये हमारा देश का झंडा इसी तरह फहराता रहे, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अपना देश का झंडा ऐसे फहराए तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलो मैं जाती हूँ नीचे, दिन का खाना बनाती हूँ, और बारिश ऐसी हो गई है कि उमस होगी बहुत ज़्यादा, गर्मी होगी इससे और भी। तो चलो जी चलती हूँ नीचे, और चैंपे की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, हमारे घर में तो ऐसे शोर होता है, और बिल्कुल मेन रोड यहीं पर है, गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है। पहले मेन रोड दिखती थी हमारे यहाँ से, अब ये मकान बन गया ये वाला, पहले एक ही मंजिल था, अब ये 2 मंजिल बना दिया तो इस वजह से यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। तो चलो जी मैं जाती हूँ नीचे, और अभी धूप नहीं है इस वजह से मैं ऊपर आ पाई, अगर धूप होती तो फिर नहीं आ पाती। थोड़ी देर पहले कड़क धूप थी, अब थोड़ी सी बारिश हो गई है पर उमस हो गई बहुत ज़्यादा, तो मैं चलती हूँ नीचे। तो यहाँ पर बन चुका है भात, ये दाल और चावल मैंने इन लोगों के लिए रख दिया थाली में, और प्याज काटा है साथ में, साथ में अगर इनको अचार खाना होगा तो अचार भी दे दूंगी। तो इन लोगों को मैं बुला रही हूँ, भाई आ जाओ, दोनों बाप बेटे के लिए रख दिया, यानी कि बेटे के लिए, उसके पापा के लिए लगा दी मैंने थाली।
तो रखती हूँ इनके लिए थाली वहाँ पे और आवाज़ लगा रही हूँ, आ जाओ आ जाओ, तो आ नहीं रहे लोग। मैंने रख दिया है और बेटा यहाँ पर तारक मेहता देख रहा था, तो मैंने कहा मैं खाना लगा रही हूँ, आ जा बेटा खाने के लिए। मैंने कहा टीवी थोड़ा बंद कर दे क्योंकि आवाज़ आती है ना टीवी में, जब टीवी चला होता था आवाज़ आती बहुत तेज़। फ़ैन भी बंद करा तो कह रहा भाई आप तो फ़ैन वैन सब बंद कर देते हो, मैं जा रहा हूँ अंदर। तो इनके लिए मैंने यहाँ पर रख दिया थाली और एक थाली और लेके आती हूँ, और अपना भी मैंने रख दिया प्लेट में। मेरे को भूख नहीं है, मैं थोड़ा सा कम ही खाऊँगी, तो इन लोगों के लिए यहाँ पर रख देती हूँ। आ जाओ भाई, रख दिया मैंने, ठीक है। कब आओगे फिर? तो गिलास भी रख देती हूँ उन लोगों का। बताओ खाना सब रख दिया? तब भी नखरा कर रहे, खाने के लिए आ नहीं रहे। तो चलो, उसको तारक मेहता देखने की हो रही है। मैंने कहा आ जा बेटा, देखो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इसको पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, देखो देखो। तो चलो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर जरूर कर देना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी जो नई वीडियो आने वाली हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऑल पर प्रेस कर देना, तभी नोटिफिकेशन आपको आएगा। और मैं इंस्टाग्राम पर भी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कल आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। वो चल गया टीवी फिर से, तारक मेहता बेटे को तो मेरा यही पसंद है। ओके जी, बाय बाय।